हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ सस्पेंशन सिस्टम एंड उसके टाइप्स। यदि फ्रेंड्स आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक भी दे रखी है, वहां से भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले समझा दूं कि क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जा सकते हैं आज के वीडियो में। तो पहला जो क्वेश्चन आता है सस्पेंशन सिस्टम का, जिसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसका पूछा जाता है विद कंपोनेंट्स। दूसरा क्वेश्चन इसका आता है वह आता है सस्पेंशन सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आता है जिसमें टाइप्स के बारे में पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वह इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। तीनों ही क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखें। अब सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पर सस्पेंशन सिस्टम। सामने आपको इसकी डेफिनेशन लिखी दिख रही है, नीचे दो डायग्राम बने, एक एनिमेशन डायग्राम है और एक जो भी हमारी थ्योरी एग्जाम है उसके लिए डायग्राम बना हुआ है। इन सभी को मैं समझाता हूँ वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, किसी ना किसी गाड़ी में सभी लोग बैठे हुए हैं। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी के जो पहिए हैं वो कहाँ जाते हैं, किसी ना किसी गड्ढे में आ जाते हैं या अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगता है। तो आप वहां पर देखते हैं जो गाड़ी में झटके लगते हैं वो जो हमारे बैठे हुए यात्री हैं, हम लोग जो बैठते हैं वो हमें महसूस नहीं होते, या फिर जो हमारी कंट्रोलिंग होती है गाड़ी की वह भी अच्छी रहती है। ये किसके कारण रहती है? ये रहती है सस्पेंशन सिस्टम के कारण। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, कि जिसकी वजह से जब हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी के पहिए गड्ढे में आ जाते हैं तो हमारे जो झटके लगते हैं वो महसूस नहीं होते। तो सस्पेंशन सिस्टम में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो हमारी गाड़ी रहती है, गाड़ी की रहती है दो एक्सल, एक आगे और एक पीछे जिसमें पहिए लगे रहते हैं, इसके ऊपर कसी रहती है गाड़ी की बॉडी पूरी, या बोल सकते हैं चेसिस, फ्रेम और जो भी बॉडी रहती है। अब जो जो हमारी बॉडी रहती है या जो फ्रेम रहती है वह जो हमारे पहियों की एक्सल रहती है आगे और पीछे की, इस पर डायरेक्ट नहीं कसे जाते। एक्सेल और जो चेसिस रहती है, जो फ्रेम रहता है, उनके बीच में कुछ कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, शॉक एब्जर्वर और उसकी माउंटिंग्स। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, समझ में आया होगा, जो हमारी पहिए की एक्सेल होती हैं और जो हमारी चेसिस रहती हैं, इनको डायरेक्ट नहीं कसा जाता है, इनके बीच में कुछ कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्प्रिंग और शॉक एब्जर्वर और उसकी माउंटिंग्स, जिनकी वजह से जब हमारी गाड़ी चलती है किसी गड्ढे में पहिए आ जाते हैं हमें झटके महसूस नहीं जाते हैं और उसकी कंट्रोलिंग भी अच्छी रहती है, या ब्रेक लगाते हैं उस टाइम भी हमारे झटके नहीं लगते हैं। तो जो हम स्प्रिंग और शॉक एब्जर्वर और उसकी माउंटिंग्स यूज करते हैं, इनका जो सिस्टम रहता है वही क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, जो हम झटके से बचने के लिए या फिर जो हमारी गाड़ी की कंट्रोलिंग के लिए हम जो हमारी पहिए की एक्सल है और चेसिस है या फ्रेम है उसके बीच में जो माउंटिंग्स या फिर कंपोनेंट्स यूज करते हैं, स्प्रिंग, शॉक एब्जर्वर और उसकी माउंटिंग्स, ये क्या कहलाती हैं, सस्पेंशन सिस्टम। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एक्चुअल डायग्राम बना हुआ है जो नॉर्मल गाड़ी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंग दिख रही होगी, आपको स्प्रिंग दिख रही है, ये एक्सल लगी हुई है जिसमें क्या स्प्रिंग यहाँ पर कसी हुई है ऊपर और नीचे, और उनके बीच में क्या कस दिया हमने, वो स्प्रिंग के अंदर क्या हमेशा यूज होता है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शॉक एब्जर्वर। ठीक है, तो ये शॉक एब्जर्वर और स्प्रिंग लग गई, उसकी जो माउंटिंग होती है इसको कस वगैरह दिया है, ठीक है, और इसकी सेफ्टी के लिए। तो इसके ऊपर हम क्या कसते हैं, जो गाड़ी की चेसिस होती है उसको लगाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेल है और जो हमारी चेसिस है उसको डायरेक्ट नहीं कसा गया, इनके बीच में क्या यूज कर लिया हमने, जो हमारी स्प्रिंग है और शॉक एब्जर्वर को। क्यों कर ली, क्योंकि ये एक्सेल से डायरेक्ट उसकी बॉडी ना टकराए, उसका फ्रेम ना टकराए, जिससे कि डायरेक्ट हमें जो झटके लगे वो ना लगे और गाड़ी की कंट्रोलिंग भी अच्छी रहे। तो ये जो यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स यूज किए स्प्रिंग और शॉक एब्जर्वर, यही क्या होती है, पूरा सस्पेंशन सिस्टम के
अंदर आता है। अब यहां पर जो कंपोनेंट्स कई बार लिखने को आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स को भी समझाइए, तो हम दो कंपोनेंट्स को समझाते हैं, एक तो स्प्रिंग, दूसरा होता है शॉक एब्जॉर्बर। स्प्रिंग का काम होता है जब हमारे झटके लगते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करना, जो झटकों की एनर्जी है, शॉक की एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करना। और दूसरे होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं, जो हमारी शॉक की काइनेटिक एनर्जी होती है या जो झटके लगते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह हम कंपोनेंट भी समझा सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस डायग्राम से समझ में तो आ गया होगा कि जो सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में डायग्राम बनाने को आ जाता है। यदि आप बनाना चाहते हैं इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉर्मल कंपोनेंट समझाना है आपको, जैसे यहाँ पर पहिए, जो भी टायर वगैरह पहिए वगैरह बना दिया, एक्सल बना दिया, इसी डायग्राम को यहाँ पर बनाया गया। और यहाँ पर मैक्सिमम कंपोनेंट के नाम लिख दिए जो भी इसकी माउंटिंग है। तो यहाँ पर जो मेन क्या है, यहाँ पर देख रहा है शॉक एब्जर्वर लिखा हुआ है। तो जी स्प्रिंग के अंदर क्या है, शॉक एब्जर्वर यूज किया गया। तो यहाँ पर जो भी लोअर कंट्रोल आर्म वगैरह ये सब आप लिख सकते हैं, पढ़ने में आ रहा होगा, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग वगैरह है, जो यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, इनके नाम लिखकर आप इसको समझा सकते हैं। नहीं तो आपको नॉर्मल डायग्राम बनाना है और डेफिनेशन लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। अब इसके हम फंक्शन की बात करेंगे और टाइप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा होगा फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, मतलब कई बार क्वेश्चन नॉर्मल 2-3 नंबर का आया था फंक्शन लिख, तो वहां पर नॉर्मल 4-5 फंक्शन लिखे हुए, इनको आपको आसानी से लिख देना। जैसे कि जो भी हमारे रोड पर जब झटकी लगते हैं गाड़ी की, तो जो हमारा फ्रेम है तक पहुंचने से रुकना, मतलब फ्रेम से नहीं टकराना देता डायरेक्ट बॉडी को, जिससे कि हमारे झटके महसूस नहीं होते। इसके अलावा जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखना, गाड़ी में जो बैठे हुए हमारे पैसेंजर हैं उनको जो भी झटके लगते हैं उनसे बचाना, वो गाड़ी चलाते समय या मोड़ते समय ब्रेक लगाते समय जो रोड है उससे उसकी पकड़ बनाए रखना, जिसे बोलते हैं कंट्रोलिंग रखना, और जो भी हमारी स्टीयरिंग है उसकी ज्योमेट्री को बनाए रखना। तो ये कुछ फंक्शन है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें जो एग्जाम में पूछा गया कई बार, उसको आज मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इन दोनों को वैसे मैं समझा देता हूं विद डायग्राम। पहला है डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम के थ्रू ही मैं जो लिखी हुई है इसकी थ्योरी उसको मैं समझा देता हूं। तो इसमें होता क्या फ्रेंड्स, जो भी आगे और पीछे के पहिए होते हैं उसमें एक्सल लगी रहती है, उस एक्सल से दोनों पहिए जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड का मतलब होता है जब ये पहिया मान लो या ये पहिया जब एक गड्ढे वगैरह में आता है उसके साथ दूसरा पहिया भी थोड़ा सा झुक जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ये हमारे व्हील्स हैं दोनों और यहाँ पर क्या है एक सॉलिड एक्सल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, ये हमारा मान लो कोई जैसे ब्रेकर आ गया, मान लो एक साइड नॉन प्लेन रोड है, तो ये क्या हुआ उठ गया, तब ये पहिया ऊपर को थोड़ा सा उठा, तो इसमें क्या हुआ एक एक्सल से दोनों जुड़े हुए हैं, ये उठने के कारण क्या हुआ ये पहिया भी थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मतलब ये झुका तो थोड़ा सा इसकी तुलना में कम झुका लेकिन ए भी झुक गया। तो इस तरह क्या होता है, ये डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब ए वाला अगर नीचे को जाएगा तो ये क्या होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और ए अगर ऊपर उठा तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या तो ये उठ गया तो ए वाला थोड़ा सा झुक जाएगा। समझ में आएगा फ्रेंड्स क्या होता है कि एक ही एक्सल से दोनों ही पहिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें कि एक पर कोई इफेक्ट होता है तो दूसरे पर भी असर होता है। ये होता है डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अब नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको समझा सकते हैं विद डायग्राम, यहां पर बना हुआ है और ये थ्योरी लिखी हुई है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, मतलब नॉर्मली किसी पर डिपेंड ना हो, मतलब इसमें क्या होता है चारों पहिया एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, स्वतंत्र रहते हैं। इसमें कुछ सेपरेट माउंटिंग्स और जो कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है जिसके कारण ये चारों सेपरेट रहते हैं। अभी कैसे जाते हैं ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे ये दो टायर लगे हुए हैं और इसमें कुछ सेपरेट इंडिपेंडेंट सिस्टम का यूज किया गया, जैसे इस पहिए के लिए यहाँ पर कुछ स्प्रिंग वगैरह लगी हुई है, इस पहिए के लिए यहाँ पर लगी हुई है। जब ये मूव करते हैं, जब गाड़ी स्पीड से चलती है या नॉर्मल चल रही हो, जब एक पहिया कोई गड्ढे में आता है या कोई ब्रेकर पे आ जाता है या कोई ऊंची जगह पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कि ये बंप मतलब कोई ऊंची जगह पे आ गया या गड्ढे में आ गया, तो ये क्या होगा इस पहिया ऊपर उठ गया, लेकिन इसके कारण इस पहिए पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया
सीधा जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हुआ है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम लगा दिया गया कि ये जब उठेगा तो ये नॉर्मली यहाँ से ये लिंकेज देख रहे यहाँ से कनेक्ट रहता है, तो ये ओनली इस पे ये उठेगा, इसके बाद इधर के हिस्से पे कोई असर नहीं होगा। तो ऐसी सस्पेंशन सिस्टम जिसमें क्या होता है एक पहिए से दूसरे पहिए पे कोई भी इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वह एक दूसरे से कैसे रहते हैं इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा जैसा मैंने समझाने की कोशिश की कि ये अगर किसी गड्ढे में पहिया में एक पहिया कोई गड्ढे में आ रहा है तो दूसरा पहिया कोई भी उसमें झुकाव वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है, ठीक है। या ए वाला पहिया गड्ढा वगैरह में आया था तो दूसरे पहिए पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, इस तरह चारों पहिए का सिस्टम बनता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ पर थ्योरी लिखी है आप आसानी से पढ़ सकते हो, डायग्राम बना सकते हैं। यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।